और कई बार आप शादी करना भी चाहते हो पर शादी नहीं हो पा रही, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे गुरु के पास जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। मैं एक सजेशन दूंगा, आज जो आपको 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर आप में हैं तो आप अगर उनको रिमूव कर लोगे तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, आपको सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव, मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं, वैसे भी यंग जनरेशन जो है वो डिले मैरिज में बिलीव करती है, तो 28 से 30 साल तक की बच्चों की शादियां हो रही हैं, लेकिन वो शादी कई बार 30 से आगे भी चली जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और कई बार आप शादी करना भी चाहते हो पर शादी नहीं हो पा रही, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे गुरु के पास जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। मैं एक सजेशन दूंगा, आज जो आपको 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर आप में हैं तो आप अगर उनको रिमूव कर लोगे तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, आपको सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, वरना आपको थोड़े दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं यार मैं तो सिंगल ही ठीक हूं। तो हम चलते हैं इस जर्नी पे, आज मैं आपको जो 5 पॉइंट बता रहा हूं वो आप नोट करें, आपके अंदर अगर वो है उनको इमीडिएटली रिमूव करें, ताकि आप अपनी मैरिज के पाथ पे एंजॉयमेंट पे जा सकें। तो हम चलते हैं पहले पॉइंट पे, इससे पहले मैं शुरू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और आप जुड़े रहें। तो हम चलते हैं 5 पॉइंट, कौन से 5 पॉइंट, पहला पॉइंट, सिनिकल व्यू अबाउट लव। सिनिकल व्यू मींस हमारा जो प्यार के प्रति नजरिया है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है, हिंदी में बोलते हैं इसको घृणित हो गया, मतलब हमें उससे इरिटेशन होने लगी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। आप एक फैमिली में छोटे हैं मान लो, और आपके जो ब्रदर हैं या सिस्टर हैं आपसे बड़ी हैं, उनका मतलब एज डिफरेंस ज्यादा है, 10 से 15 साल है, तो कई बार उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, ससुराल से नहीं बनती, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, उसका इम्पैक्ट आपके बचपन पे चाइल्डहुड में ऐसा पड़ जाता है कि आप उससे बाहर नहीं आ पाते और आपको पता भी नहीं चलता, ब्यूटी तो ये है, लेकिन आप अंदर ही अंदर शादी से इरिटेट होने लगते हैं, और जैसे जैसे शादी से इरिटेट होते हैं आप शादी करते हैं। वैसे आप सबको बोलते हैं मैं शादी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, पर इश्यू क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा, कभी कभी सिंगल पेरेंट्स होते हैं, डिवोर्स हो गया, बच्चा आइदर माँ के साथ है या पापा के साथ है, तो वो जेंडर स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर माँ के साथ है तो वो मेल जेंडर के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी के इश्यू हो जाएंगे, और अगर मेल जेंडर के साथ है तो फीमेल के साथ कंपेटेबिलिटी के इश्यू हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो आपस के डिफरेंसेस हैं उनको वो अडॉप्ट कर लेगा और वो शादी करेगा ही, लेकिन सबको कहेगा मेरी शादी हो नहीं रही, शादी डिले हो रही है, मेरे पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको इमीडिएटली करेक्शन रिक्वायर्ड है, अगर आप वाकई अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉयबल जीना चाहते हैं। मेरे ख्याल ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, फिर भी इसमें कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, तो आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। ये जो ड्रीम वर्ल्ड है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये मूवी वाला, और आजकल तो ये छाया हुआ है नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सलमान खान शाहरुख खान 6-6 6 ऐप और क्या बढ़िया वो ब्यूटी बना के आते हैं, तो हमारे कभी कभी स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, और उनकी शूटिंग जो होती है सारी यूरोप में बढ़िया प्लेसेस पे, स्विट्जरलैंड में, तो हमारे ड्रीम जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब ड्रीम कैसे चेंज होता है, जैसे हम छोटे थे ना कभी, तो आपको याद आता होगा जब आप कभी रामलीला देखने जाते थे तो कभी कभी बच्चा क्या है, आज उसको लक्ष्मण का रोल अच्छा लगा तो वो लक्ष्मण बन गया, थोड़ी देर के लिए राम का रोल अच्छा लगा तो राम बन गया, लेकिन वो धीरे धीरे हम छोड़ते चले जाते हैं। इस वाले केस में क्या होता है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हम एक्चुअल में ये नहीं देखते कि हमारा अपना स्टेटस क्या है, हम अपने स्टेटस को भूल जाते हैं।
लेट्स अज्यूम एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स कभी मतलब लेट्स अज्यूम हरियाणा के गांव में रहता, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो उसी वजह से मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल दे रहा हूं, और वो कभी हरियाणा में बड़ा फेमस है चंडीगढ़ जाना, आपने सुना होगा ना पंजाबी गानों में भी बड़ा फेमस है कि चंडीगढ़ की लड़की चाहिए हमें, तो हरियाणा और पंजाब वालों के लिए चंडीगढ़ बीइंग ए कैपिटल बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, दिल्ली से वो थोड़ा डरते हैं, तो वो जो चंडीगढ़ जाने का चाव है तो उसको वो ड्रीम में आ जाता है जो कि उसके अपने पेरेंट्स कभी नहीं गए। तो आइदर यू आर कैपेबल टू मेक योर ओन ड्रीम्स, क्रिएट कर दो ड्रीम, आप चंडीगढ़ क्या यूएस जाओ न्यूयॉर्क जाओ, आप अपनी कैपेबिलिटी क्रिएट करो, आप अंदर से जानते हो कि आपके अंदर तो कैपेबिलिटी है नहीं न्यूयॉर्क जाने की, लेकिन मेरा जो काउंटर पार्ट है, अगर लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, जो भी मेरा काउंटर पार्ट है वो ऐसा होना चाहिए, उसके सिक्स एप होने चाहिए। भाई जो सिक्स एप बेच रहे हैं सलमान शाहरुख वो तो अपना चेहरा और अपनी बॉडी को तो बेच रहे हैं, वही रोल एक्टिंग ही तो है उनके पास, लेकिन जिस आदमी से आप शादी कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, वो बेचारा पढ़ाने का टैलेंट रखता होगा, इंजीनियर होगा, कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, एनीथिंग, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उसके साथ होगी। अब वो रोज आपके लिए जिम में नहीं जाएगा, तो ये हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, और जब हम मिसअंडरस्टूड जाते हैं तो हम ऐसा ड्रीम क्रिएट कर देते हैं कि वो मुझे यूरोप घुमाएगा, वो मुझे स्विट्जरलैंड में घुमाएगा, मैं ऐसे बाल करूंगा या करूंगी, ऐसे झूलूंगा, और जब फिर हम कभी मैरिज की बात करने लगते हैं तो हमें डिफरेंसेस फील होते हैं। तो शादी तक जाने से पहले क्या होता है, या तो एंगेजमेंट वगैरह नहीं होती है, अगर एंगेजमेंट हो गई तो वो ब्रेकअप हो जाती है, फिर अगेन आप सिंगल। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगर आप में ये पॉइंट है तो प्लीज इसको करेक्ट करें, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आए और रियलिटी वर्ल्ड पर आए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ब्रेकअप मेंटलिटी। कई बार हमारे बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके होते हैं फैमिलीज में, डिवोर्स हो चुके होते हैं, कई बार झगड़े हो रहे होते हैं, उनका इंपैक्ट आ जाता है, और कई बार यूथ है जनरेशन आजकल यूजली 20-22 साल की उम्र में रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, तो उनके ब्रेकअप कई बार किसी रीजन से हो जाते हैं। तो जब आप मैरिज की एक एज तक जाते हैं, जब आप सेटल हो जाते हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं, तो आपकी मेंटलिटी फिक्स हो चुकी होती है, तो छोटी छोटी बात पे आप क्या करना चाहते हैं, मेरे को मेरी तमाशा लाइफ चल ही नहीं सकती, आप इमीडिएटली एक्सट्रीम ब्रेकअप पे चले जाते हैं, एक्सट्रीमली किसी भी या किसी मुद्दे को लेके, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दूसरा एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि आप उस ब्रेकअप के मूड में रह जाते हैं। और दूसरा, अगर गलती से पेरेंटल ब्रेकअप हो गया, सिंगल पेरेंट है, तो सबसे बड़ा इश्यू ये आता है हमारे दिमाग में कि जिससे भी हम शादी करने वाले हैं वो पता नहीं उनका रिगार्ड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिगार्ड करोगे नहीं करोगे वो भूल जाते हैं, अगर आप करोगे तो कौन रोक सकता है आपको, वो करेगा नहीं करेगा पता नहीं, वो मेरे पेरेंट से, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, मेरी मदर से एडजस्ट हो पाएगा या नहीं, मेरे फादर से हो पाएगा नहीं, और आप देखेंगे जिन जिन के सिंगल पेरेंट्स हैं उनकी मैरिज में बहुत इशू आते हैं, क्योंकि कहने के ये गैप होता है जेंडर स्पेसिफिक, और उस वजह से फियरिस्टिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमें ब्रेकअप मेंटलिटी से बाहर आने की जरूरत है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, पास्ट ट्रॉमा, जो पुराने ट्रॉमा होते हैं उनसे बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा हो गया कोई मिसहैपनिंग होगी, कभी कोई ऐसा हो गया कि आपका कोई बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था उसने डिस कर दिया आपको, तो ये हमारे को ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं, और वो ट्रॉमा ऐसे फ्यूरिस्टिक हो जाते हैं कि हम जिससे शादी करने वाले हैं उस आदमी को भी वही फिट कर देते हैं उसी पोजिशन पे कि ये आदमी मेरे साथ ऐसा कर देगा। और ये बड़ा सिंपल लॉजिक है, ये हर एक करता है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोर कर लेता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो ये जानवरों में काफी पाया जाता है, बट ये ह्यूमन के अंदर उससे ज्यादा होगा, क्योंकि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं जानवरों से। किसी भी जानवर का एक पाँव अगर खराब है आप देखेंगे तो वो उस पाँव को जमीन पर नहीं टिकता, उसमें मान लो कोई दर्द है, कोई कील लग गया, डॉक्टर के पास गए, उसने कील निकाल दिया, पट्टी वट्टी कर दिया, तो भी वो उस पांव को नहीं टिकाएगा।
फिर आप डॉक्टर पे जाते हो तो पाँव भी नहीं टिका रहा, तो वो क्या करता है किसी और पाँव को पट्टी से बांध देगा ताकि वजन शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे ही कभी बार हमें ट्रॉमा हो गए, वो आदमी मेरे को छोड़ के चला गया था, ये जैसे मैं शादी कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ ये पक्का छोड़ के जाएगा या जाएगा। तो उसी चक्कर में हम ट्रॉमिक बिहेवियर करते हैं और शादी होती नहीं, जबकि हम सबको बोल रहे होते हैं मैं तो शादी करना चाहता हूँ, मेरा तो शादी करने में इंटरेस्ट है, मेरे घर वाले बहुत डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं, शादी होते नहीं, अगर कोई बातचीत चलती है तो एंगेजमेंट वगैरह ब्रेक हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, फियर ऑफ हैप्पीनेस। हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हो जाते हैं कि हम हैप्पी होते ही फियरिस्टिक होने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं ना यार आज बहुत ज्यादा हंस रहा हूं, नजर लगेगी, देखना आज बड़ी दिक्कत होने वाली है, कोई पेन हो जाएगा, रोऊंगा, कुछ ना कुछ होऊंगा, ये हमारी मेंटलिटी में अब्सॉर्ब हो जाता है। और एक बार हमारी मेंटलिटी में अगर अब्सॉर्ब हो गया तो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि हम खुशी की तरफ जाने से ही डरते हैं। खुशी कैसे भी हो सकती है, मान लो कोई आपका ड्रीम है कि मेरे को जाके फॉरन सेटअप हो, आप नहीं जा पाए किसी का से, लेकिन आपका काउंटर पार्ट ऑलरेडी फोन में, वो आपको इनवाइट करता है, ठीक है मैरिज के बाद वहां चलेंगे, आपको अंदर एक फियर क्रिएट हो जाएगा, पता नहीं वहां जाके मेरी सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, पता नहीं ये शादी मुझे खुशी देगी या नहीं देगी, पता नहीं ये आदमी मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा या लेडी कैसा बिहेव करेगी। तो ऐसे हैप्पीनेस मोमेंट को हम रुइन कर देते हैं, खत्म। और जैसे हम रुइन करते हैं अगेन सिंगल हो जाते हैं। तो हो आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, अगर आप लोग सिंगल हैं कम से कम ये 5 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं बट मैंने मेजर पॉइंट लिए हैं, 5 पॉइंट पे आप थोड़ा काम करें, डेफिनेटली अश्योर यू अगर आप इनको पॉइंट्स को हटा लेते हैं तो विद इन 3 to 6 आपकी शादी हो जाएगी एंड लड्डू हमारी पास भिजवा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बाकी लोगों से जरूर बांटें, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो, नमस्कार।